हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने डिमांड की थी कट ऑफ कितना जा सकता है, ज़्यादातर कमेंट ही आ रहे हैं सर इतने पर हमारा चयन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ ये 69,000 भर्ती है और 69,000 पद इतने कम नहीं होते कि जैसे कि हमने 10-20 लोगों का सुन लिया इतना 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 है तो हम डर गए, और जैसे ही हम सुनते हैं कि 10-20 का इतना कम है तो हमें लगता है हम बहुत आगे हैं। तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, ये एक बड़ी भर्ती है दोस्तों, और इसके कुछ मेन रीजंस होते हैं उनसे इन पर प्रभाव पड़ता है, ना कि आपने 10-20 लोगों का सुन लिया या 50 लोगों का सुन लिया। आप खुद से सोचिएगा, अगर आपने जैसे ही 50 लोगों का सुना कि इनके इतने 120 प्लस आ रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि हम बाहर हो गए। लेकिन ये भर्ती कैसी है आपको पता है ना, 69,000 एक बहुत बड़ी भर्ती है, ठीक है। हाँ, हम मानते हैं कि 146,000 इसमें पास हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें कम पास हुए हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसमें जो 69,000 हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जनरल में हैं। यहाँ पर आप एक ओवरलैपिंग वर्ड सुना होगा आपने, इसका मतलब होता है कि जनरल का मतलब यहाँ पर जनरल कास्ट से मतलब नहीं है, अनारक्षित से मतलब है। यानी अनारक्षित का मतलब है किसी का आरक्षण नहीं है, उसको कोई भी ले जा सकता है सीटों को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट था कि जो ओवरलैपिंग नहीं होगी, कि आप तो बिल्कुल होगी ओवरलैपिंग दोस्तों। इससे जैसे टीजीटी पीजीटी हुआ है जस्ट एक मंथ दो महीने पहले, तो वहाँ पे आपने देखा ओवरलैपिंग हुई है, और बेसिक शिक्षा विभाग का ये कहना है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग अलाउ है, ठीक है। तो आप ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिएगा कि यहाँ पर आप जनरल में जा पाएंगे या नहीं, ठीक है, बिल्कुल जाएंगे। तो अब देखिए, आप जो देख रहे थे ना 142, 140, ठीक है, ये जो इतने नंबर ला रहे हैं ये प्रभावित करेंगे जनरल की मेरिट को, ठीक है, जनरल की मेरिट प्रभावित करेंगे ये लोग। प्लस आपको पता है 8,000 शिक्षा मित्र पास हुए हैं, तो ये भी प्रभावित करेंगे जनरल को। दोस्तों मैं यहाँ कट ऑफ की बात करूंगा, पूरा मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, मैं कुछ पॉइंट रखूंगा उसके बाद सीधा सबका कट ऑफ बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको घुमाऊं और अपना वाचिंग टाइम बढ़ाऊं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग परेशान हैं तो वो लोग एक बार ध्यान से एक बड़े रीजंस को देखें, प्रभावित करेंगे तो ये रीजंस करेंगे इसको प्रभावित, ना कि आप सोच रहे हैं कि 10-20 लोगों के ज़्यादा नंबर हैं तो वो लोग इसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देखिए 68,500 में चयनितों पर का प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, सबसे बड़ा प्रभाव है ये। ये क्यों पड़ेगा, देखो उस टाइम क्या था कि सरकार ने पहले कट ऑफ लगाया था जो 40-45, फिर बाद में 30-33 कर दिया था, ठीक है, फिर यहाँ पे 40-45 फिर से किया गया था। तो जो भर्ती थी उस पर केस चल रहा था, और उस केस के चलते इन लोगों को जितने भी 33 और 30-33 वाले थे वो ये सोच रहे थे कि हमें मौका मिल जाएगा, और 40-45 वाले सोच रहे थे कि कहीं हमारा ये मौका चला ना जाए। तो ये डाउट में थे, जितने भी बच्चे ऐसे थे जिनका गुणांक कम था वो सारे यही सोच रहे थे कि हम कहीं बाहर ना हो जाएं। तो उन्होंने ये फॉर्म उस टाइम फिल कर दिया, और उस और केस ख़त्म नहीं हुआ। केस अभी जस्ट आपने देखा होगा तीन जो 69,000 भर्ती के लगभग 4-5 महीने पहले, ये लॉकडाउन से पहले ही ख़त्म हुआ है केस, ठीक है। तो उस केस के डर से इन लोगों ने फॉर्म भी डाला और ज़्यादातर लोगों ने पेपर भी दिया। तो हम ये कहेंगे कि इसमें ज़्यादातर बच्चे 68,500 के हैं, ठीक है। अगर उनमें से आपने बता दूं यहाँ पे कम से कम 20,000 के आसपास बच्चे पास हुए हुए बता रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत सारे बैठे होंगे, लगभग 20,000 बच्चे 68,500 के पास हुए हैं। इसमें से मुश्किल से अब मुझे लगता है कि 1,000 बच्चे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, मुश्किल से। और ये ना ही करें वही अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, और इनके जो भाई लोग आ रहे हैं छोटे भाई के कह सकते हैं असिस्टेंट टीचर बन के आ रहे हैं इनके, तो ये जो पहली बात तो ये है कि 68,500 में चयनित हैं जो, इनका जो अपनी सीनियरिटी खो सकते हैं, अगर ये खो सकते हैं मतलब खो देंगे अगर इनका इसमें चयन हुआ, पहले तो होगा नहीं, दूसरा एनओसी नहीं मिल पाएगी, तीसरा काउंसलिंग बड़ा मुश्किल, इन्हें ये चीज़ें करनी होंगी, रिस्क पे रहेगा पूरा का पूरा सिस्टम इनका, इतना आसान भी नहीं है इनके लिए भी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ना ही करें, वही अच्छा है आपके लिए, दूसरों का भी भला हो जाएगा। रीज़न ये है कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फिल किए तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको अलर्ट होगा एक बार में, और दोबारा वो सीट भरी नहीं जाएगी फिर, ठीक है। आपको पता है ना 18 से 26 जनवरी के बीच में, सॉरी मई के बीच में सब कुछ लिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही बार में सारी काउंसलिंग हो जाएगी, और एक ही बार में अलॉटमेंट 3 से 6 दिया गया, नहीं दिया गया कोई दूसरा डेट नहीं दिया गया है, इन्हीं के बीच में लेटर जा रही, इनके बीच में काउंसलिंग, यानी सबकी एक बार दोबारा कुछ भी नहीं। तो जो पद खाली रह गए उस पर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी दोस्तों, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी को ये भर्ती में मतलब चांस लेने दें, आपको पता है कितना पद खाली चल रहा है, ठीक है। दूसरा फॉल्ट मिस्टेक,
फॉल्ट मिस्टेक वाले आपने सुना था कल 40,000 फॉर्म, और ये इसकी जो न्यूज़ है वो मैं जस्ट इससे पहले वीडियो में डाल चुका हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा। पीएनपी पे नोटिस लग चुका है इनके बारे में, तो मैंने दिखा दिया है, नोटिस भी दिखा दिया है, तो उसका लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग से भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब बहुत बड़े कारण हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग का ध्यान रखना, मैं अभी बता देता हूँ, जब भी डिस्ट्रिक्ट बढ़ेंगे तब तक हमेशा ध्यान रखना कि आपको 75 में 75 जिले भर देने हैं। अगर आपने होशियारी दिखाई 15 भरे या 10 भरे या 5 भरे और उनमें से कोई नहीं मिला तो आपको दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग ये कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा शायद यूट्यूब चैनल पर भी आपने सुना होगा कि आप जितने भरेंगे उनमें से नहीं मिलता तो वो अपने मर्जी से कोई चला दे देंगे, तो नहीं देंगे कोई भी, ध्यान रखना, आपकी मतलब जॉब नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। कट ऑफ को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, ठीक है। पहली कैटेगरी सेफ जोन, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी आपकी डेंजर जोन। सेफ जोन कौन सा है, तो सेफ जोन में हमने वो बच्चे रखे हुए हैं जिनका गुणांक जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये गुणांक उनका है जो मैं अभी नीचे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए नीचे लिखा हुआ है, तो वो गुणांक अगर उनका है तो वो सेफ हैं, और अगर उससे कम है तो वो डेंजर जोन में है। देखे कैसे, जैसे कि आपको पता है एनालाइज करना है तो अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं एनालाइज में क्या है, आपको ये भी पता है कितने पास हुए हैं, ठीक है, जनरल में 36,614, ओबीसी में 84,000 पास हैं, अनुसूचित जाति में एससी में 24, अनुसूचित जनजाति में 270। अब यहाँ पर देखिए ये इतनी 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 सीटें हैं, 69,000 टोटल कर लीजिए आप, 77,000 हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ सेफ जोन देखिए, सामान्य में, सामान्य की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है इस बार, क्यों, रीज़न क्या है, आपको पता है ना, जितने भी 8,000 पास हुए हैं सच्चा मित्र भी इसी में जाएंगे, जितने भी आपने देखा 140 142 वाले सारे इसमें में जाएंगे, इसका मतलब जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो देखिए मैंने दो कट ऑफ रखे हैं, ये दो कट ऑफ क्यों रखे हैं आपने देखना है, देख इसको भी बता देता हूँ, 73 और 75। अगर यहाँ पर ये प्रभाव डालेंगे 68,500, अगर 68,500 नहीं कराते तो यहाँ 73 जा सकती है, नहीं तो फिर 73 प्लस, नहीं तो फिर 75 प्लस जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्लस का मतलब इससे ज़्यादा जाएगी कम नहीं जाएगी, तो इनको हम सेफ जोन में रखेंगे, ठीक है। दूसरा 65 और 68 प्लस, 65 प्लस जाएगी ओबीसी की अगर शिक्षा मित्र ने जो सॉरी 68,500 वालों ने नहीं लिया, तो अगर लिया तो 68 प्लस जाएगी। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति में 63 और 65 है, अगर शिक्षा मित्र सॉरी 68,500 वाले ले लेते हैं तो 63 65 जाएगी, नहीं तो 63 जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी ले ले कोई ना ले सभी का हो जाएगा चयन, क्योंकि यहाँ पर सीट ज़्यादा हैं पास कम हुए हैं। अगर हम डेंजर जोन की बात करें तो ये डेंजर जोन में अगर आपकी 73 से कम है तो आप डेंजर जोन में हैं, ओबीसी की अगर आप 65 से कम है तो डेंजर जोन में हैं, एससी 63 से कम है तो डेंजर जोन में है, और एसटी में कोई डेंजर जोन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं और आपकी वैकेंट जो जो पास हुए हैं वो कम हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का कट ऑफ, और बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।